हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस्वी होम्यो हेल्थ क्लिनिक में मैं डॉक्टर सविता कुमारी और आज हम बात करेंगे पपीते खाने के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि पपीते खाने का कितने सारे फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड्स, बात जब एक हेल्दी डाइट चार्ट की आती है तो पपीते का नाम सबसे पहले शामिल करते हैं, क्योंकि पपीता एक लो कैलोरी फ्रूट है जो आपकी सेहत को कई तरह से लाभ पहुँचाता है। पपीते में फाइबर्स, विटामिन जैसे कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो आपको पाचन से लेकर वजन बढ़ना, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। पपीता खाने के इतने सारे फायदों के बावजूद क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को पपीता का सेवन करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि पपीता खाने के फायदे के जगह उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों को पपीता का सेवन करने से नुकसान पहुंच सकता है। तो नंबर वन, प्रेग्नेंट महिलाएं। पपीते में लैटेक्स गर्भाशय को संकुचन को ट्रिगर कर सकता है, ऐसे में प्रसव जल्दी होने की संभावना बनी रहती है, भ्रूण झिल्ली पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर टू, किडनी स्टोन। अगर आपको किडनी में पथरी की शिकायत है तो पपीते का अधिक सेवन से बचें। एक्चुअली पपीते का अधिक सेवन करने से कैल्शियम ऑक्सीलेट उत्पन्न होता है, जिसे किडनी में पथरी बढ़ा सकता है, जिसके बाद यूरिन के जरिए पथरी को निकलना मुश्किल हो सकता है। नंबर थ्री, एलर्जी की शिकायत। पपीते में मौजूद चेटिनेज नामक एंजाइम होता है जो पपीते में लैटेक्स पर क्रॉस रिएक्शन कर सकते हैं, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी, छींक और खांसी आना, आँखों में पानी आने की समस्या हो सकती है। नंबर फोर, पीलिया और अस्थमा। अगर आप पीलिया और अस्थमा के मरीज हैं तो आपको पपीता खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि पपीता में मौजूद पपाइन और बीटा कैरोटीन इन दोनों बीमारियों के लिए नुकसानदायक होता है। नंबर फाइव, बीपी के मरीज को अधिक पपीता खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि हार्ट बीट स्लो हो सकता है, इसलिए बीपी के मरीज को लिमिट मात्रा में पपीते का सेवन करना चाहिए। फ्रेंड्स, इन सारी बीमारियों में पपीते का सेवन करने से नुकसान पहुंच सकता है। आई होप के वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू।